ने मेरे अंतर मन को झकझोर दिया था। टूटती मर्यादाओं को देख मैंने इसे लेखनी में पिरोने का निश्चय किया और यह आपके सामने प्रस्तुत है। महीनों से तारीखें लग रही थीं, आज फिर तारीख लगी थी। कई महीने से मुकदमा चल रहा था और प्रत्येक अगले सप्ताह के लिए तारीख लग जाती थी। वह हर तारीख से पहले दिन वकील साहब के यहाँ अगले दिन की मालूमात के विषय में अपनी शंका के समाधान हेतु जाता। वकील साहब कोई तसल्ली बख्श जवाब न देते, फिर भी वह किसी निश्चित समाधान और सत्य की जीत का विचार लिए घर लौट आता। उसके मन रूपी सागर में उठते ज्वार भाटा को कहीं ठौरना था। अपनी दशा पर उसे लगता कि जैसे सारा जमाना उसके दुख को देखकर मन में ठंडक का अनुभव करता हो। आस पड़ोस सगे संबंधियों और जानकारों की दृष्टि में वह धूर्त इंसान था। इसका कारण था कि उसका मुकदमा अपने पिता, माता और भाई के विरुद्ध था। भला माता पिता से भी कभी कोई मुकदमा लड़ता है? बस लोगों की तीक्ष्ण दृष्टियां उसे इसी कारण भेदती रहती थीं। समय का पालन करने में उसकी सर्वाधिक शक्ति व्यय होती थी। कचहरी का 10 बजे खुलने का समय था, जबकि काम शुरू होते होते 11 बज जाते थे। भला समय पर कोई अपना काम संभाल ले तो क्या उस सरकारी कर्मचारी होने का गुमान हो सकता है? जो जितना लेट लतीफ वह उतना ही बड़ा और उसके उतने ही अधिक खुशामदी। अर्दली 10 बजे के बाद आएगा तो क्लर्क उसके बाद और हर एक दूसरे से बड़ा अधिकारी एक दूसरे के बाद। 11:30 बजे जाकर कोरम पूरा होता है और फिर आवाजें लगती हैं और अगली तारीखें वितरित कर दी जाती हैं। तारीख पर वह तो 10 बजे से पहले ही अपने वकील के बस्ते पर पहुंच जाता। 10:15 बजे मुंशी आता और लगभग 10:45 बजे वकील साहब। वह उन्हें नमस्ते करता, वे व्यापारिक मुस्कान के साथ कहते, आप कोर्ट पहुंचो, नाम बुलाए जाने पर मुझे बुलवा लेना। उसे वकील साहब के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर अचरज तो ना होता, परंतु यह अवश्य लगता कि वह जिन लोगों के बीच फंसा हुआ है ये उसके आदर्शों की सिलाई उधेड़ने वाले लोग हैं। इन्हें अपने मुवक्किलों से केवल पैसा चाहिए। मुवक्किलों के हितों को इन्होंने खूटी पर टांगा हुआ है। तभी मुंशी जी कहते हैं, लाओ थोड़े पैसा जमा करवा दो। और वह अनमना होकर 100 रुपए का नोट मुंशी जी को देकर अदालत का रुख कर देता। प्रारंभ में तो अदालत के सामने खड़े होने से उसे डर लगता था। न जाने लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। वहाँ खड़ा हुआ निरपराध भी अपराधी ही माना और समझा जाता है। बेंच खाली होती तो उस पर बैठ जाता, अन्यथा खड़ा होकर दूर तक की गतिविधियों को अपना साक्षी बनाता। वहाँ उपस्थिति देते समय उसे लगता कि पृथ्वी पर शायद यही नरक है। सब लोग अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में होते। आवाज लगाने वाला अर्दली यमदूत से कम ना लगता था। उसका रुतबा भी किसी दंड अधिकारी से कम ना था। उससे कोई भी जानकारी प्राप्त करने का कोई व्यक्ति प्रयत्न करता तो वह किसी विधि विशेषज्ञ और पद के रुतबे की हैसियत से बात करता। ऐसा लगता कि यदि अपनी पर आ गया तो 4-6 महीने के लिए अंदर करवा देगा अथवा बड़ा अर्थ दंड लगवा देगा। दोपहर को बहुत तेज भूख लगती। 2-3 चने बेचने वाले वहाँ नियमित रूप से आते रहते थे। उनसे चने लेकर खाता और सोचता कि जीवन की हर घड़ी हर पल अनपेक्षित है, कब क्या हो जाए रहस्य बना रहता है। जो माँ अपने स्तन के अमृत से बालक को जीवन प्रदान करती है, वही कचहरी में झूठी शान कायम रखने के लिए
सारी मर्यादाओं को छिन्न छिन्न कर सकती है। वह पिता जो अपनी उंगली थमाकर बालक को चलना सिखाए, वही अपने अहंकार की तृप्ति के लिए बेटे को जेल भेजने और उसकी संपत्ति हड़पने को आतुर हो सकता है। वह भाई जिसके सुनहरे भविष्य के सपने देख उसने उसके प्रति हर वह बात करने का प्रयत्न किया जो केवल उसके हित में थी, आज माता पिता के साथ षड्यंत्र रचकर भातृ धर्म का निर्वाह कर रहा है। जीवन में कब आपकी आस्तीन में से सांप निकलकर आपको डसने के लिए जीभ लपलपा ले, फन फैला ले, आपको इल्म नहीं हो सकता। बस यही संसार है, जो नहीं हो सकता, जो नहीं होना चाहिए वही यहाँ होता है। मर्यादाएं बनाई जाती हैं कि उनमें कोई सुरक्षित रह सके, परंतु उन्हें तोड़ने वालों की कमी नहीं है। जब भी अर्दली आवाज लगाने बाहर आता, सभी उपस्थित जन चौकन्ने हो जाते। जिनके नाम पुकारे जाते वे भीतर चले जाते और थोड़ी देर में बाहर आ तेजी से वापसी के लिए लपक लेते। फिर आवाज लगाने अर्दली आता, फिर सब चौकन्ने हो जाते। सब थे दुखी, लोगों की नजरों में वहाँ बैठा खड़ा हर फरियादी गुनहगार था, परंतु हर फरियादी को अपनी गुदड़ी में छिपा दुख स्वयं ही मालूम था। वह कुर्ता और पूर्ण रूप से स्वयं को उस परम सत्ता के अधीन सौंप उसका खेल देखने को ठंडी आह भर कर शून्य में निहार। कोई कोई फरियादी कभी हंस भी देता, परंतु उस हंसी में खुलापन न होता था, लगता था कोई देख रहा है। यदि हंसने का प्रयत्न किया तो इससे अधिक दुख भोगने होंगे। बिचारे को शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो जाता और वह चुप हो जाता। वह इन सभी गतिविधियों का मूक दर्शक बना पत्थर सा बैठा था। तभी अदालत में लंच हो गया। एक घंटे के लिए सबकी उत्सुकताएं चौकन्नेपन पर तुषारापात हो गया। अभी तक उसका नाम नहीं पुकारा गया था। उसने 2 रुपए के चने लिए और वहीं बेंच पर बैठकर खाने लगा। पंडित जी तो सुबह से अपने रुतबे की एक झलक दिखाकर जा चुके थे। उनके साथ उनका वकील भी था, जो अदालत में कुछ काम करके पंडित जी के साथ चला गया था। उसे लगता था कि यह कहानी किसी गहरे षड्यंत्र को लेकर चल रही है और इसका अंत भी असामान्य घटना का ही होगा। इसी बीच उसका वकील अपने अन्य मुवक्किलों के साथ अन्य अदालतों में आने जाने के लिए उधर से गुजरता तो उससे औपचारिकता वश पूछ लेता, और सब ठीक, आवाज लगी क्या, वह तुरंत उत्तर देता। वकील यह सब चलते ही चलते ही कर लेता। लंच खत्म हुआ, पुनः कार्य प्रारंभ हुआ। 4 बजे और उसके नाम की आवाज अर्दली ने लगाई, वह तुरंत भीतर पहुंचा। अर्दली ने उसे तुरंत पेशकार की तरफ जाने का संकेत किया। माननीय जज साहब किसी बहस को सुन रहे थे। वह पेशकार के पास गया। अर्दली ने उससे 10 रुपए फीस पेशकार को देने के लिए कहा। उसने फीस दे दी। पेशकार ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवा कर अगली तारीख बता दी। उसका भाग्य आज भी जहाँ का तहाँ अगली तारीख के भरोसे जाम में फंसा खड़ा था। उसने पेशकार से पूछा कि उनके विरुद्ध पार्टी तो यहाँ उपस्थित नहीं है, उसका क्या हुआ। पेशकार ने कहा कि उनके वकील साहब तो दिन में 12 बजे ही अगली तारीख लेकर चले गए थे। वह बुद्धिहीन हुआ, भूखा प्यासा दिन भर आवास की प्रतीक्षा में खड़ा रहा और कागजों में वास्तविक आवास का फैसला दिन में 12 बजे ही हो गया। वकील साहब घूस देकर यह कहकर चले गए कि इसके लिए आवास शाम 4 बजे लगाना, तभी तो विरोधी थक कर फैसले के लिए गिड़गिड़ाएगा। पता नहीं उसका वकील
ये हुनर जानता था या नहीं, परंतु फीस तो सब कुछ जानने की ही लेता था। उसने यह वाक्य जाकर अपने वकील को बताया। वकील ने अपनी मुख मुद्रा में संपूर्ण गंभीर लाते हुए कहा कि वह उस वकील और पेशाकार से बात करेगा। शाम 5 बजे वह थका मांदा अपनी उदासीनता समेटे घर लौट आया। पंडित जी और उसकी माता घर पधारे कुछ लोगों के साथ अट्टहास कर रहे थे। वास्तव में यह एक घरेलू विवाद था जो कुछ लोगों की शान और चटकारे के तौर पर अदालत का रुख कर गया था। वह एक अनुशासन प्रिय, अध्ययनशील और कर्तव्यनिष्ठ इंसान था, जबकि उसके पिता और भाई उसके इस आचरण पर कुठारा घात करने के अवसर की प्रतीक्षा में रहते थे। उसकी रेंगती हुई तरक्की को देखकर कोई कुटुंबी खुश न था। यही उनमें टकराहट का विशेष कारण था। माता परिवार के प्रति उसके द्वारा किए गए बलिदान को दृष्टि में रखकर उसके प्रति नरम रहती। माता उसके आचरण से भी प्रभावित थी और मानती थी कि वह लालच और स्वार्थ से परे की बात कहता और करता है। भाई कोई काम धाम करता नहीं था और उसकी संपत्ति में हिस्सा चाहता था। माता पिता भी लोगों के बहकावे में आकर इस मुद्दे को हवा देने लगे थे। भाई को किसी ने सुझाव दिया कि तू अपने भाई के मकान का बंटवारा मांग ले। मकान उसके द्वारा बनाया गया था, ये सभी जानते थे। फिर भी किसी ने कानूनी दांव पेच फंसा कर उसकी माता के द्वारा उस पर झूठा मुकदमा करवा दिया। इस षड्यंत्र से बेखबर वह अपनी रोजी रोटी में जुटा हुआ था। एक दिन उसे अदालत का सम्मन तो पता चला कि माँ ने उसे झूठे मुकदमे में लपेट दिया है। मुकदमा चला, इसमें उसका बहुत शोषण हुआ। इसी अवधि में पिता कैंसर के कारण परलोकवासी हो गए। इसी बीच उसे लगा कि मुकदमा में हारूं या जीतूं, उससे हासिल क्या होगा। क्या माँ से मुकदमा जीतकर उसकी खुशी मनाना उचित होगा। एक दिन उसने माता को बुलाकर उसकी इच्छा मालूम की। माता ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। उसने माता की इच्छा पूरी कर दी। अब भाई की बारी थी। उसने भाई की इच्छा मालूम की और उसकी इच्छा भी पूरी कर दी। माता ने मुकदमा वापस ले लिया। वह दोनों की इच्छाएं पूरी करने में अपनी बड़ी आर्थिक क्षति कर चुका था। माता पिता के इस व्यवहार ने उसे बड़ा शोभ दिया। उसे तो जैसे वैराग्य हो गया था। उसे ज्ञात हो गया था कि इस संसार में लोग अपने अपने हितों स्वार्थों की पूर्ति के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी परस्पर आधारित अपेक्षाएं होती हैं, जिनकी पूर्ति ना होने पर अहंकार वश वे एक दूसरे का अहित करते हैं। वास्तव में पालन करने से ही कोई पिता नहीं हो जाता जब तक पितृत्व का भाव ना हो। पालन पोषण करने से, जन्म देने से ही कोई माता नहीं हो जाती यदि मातृत्व का भाव ना हो। चिड़िया अपने चूजे को चुग्गा खिलाती है, परंतु ये अपेक्षा नहीं रखती कि वह बुढ़ापे में उसे चुग्गा देगा या घोंसला बनाकर देगा। जब तक चूजा उड़कर दूर नहीं चला जाता, उसका मातृत्व उसके जीवन को पोषण देता रहता है। केवल मनुष्य ऐसा है जो पुण्य भी करता है तो स्वर्ग प्राप्ति की अपेक्षा में। यहाँ सब लेन देन का भाव रखते हैं और दूसरे को तर्क और नैतिकता के नियमों में बांधते और परखते हैं। वे स्वयं पर कोई नियम लागू नहीं करते। उसे लगता है कि यहाँ सभी मर्यादाएं तोड़ने के लिए बनाई जाती।